नमस्कार सर, तो क्या पढ़ रहे हैं हम अभी? निर्वाचन आयोग, निर्वाचन की प्रक्रिया। आज हम इसे अंतिम रूप देंगे। ये निर्वाचन से संबंधित हमारा तीसरा वीडियो होगा और आज एकदम फाइनल हो जाएगा। निर्वाचन की प्रोसेस क्या होती है, कौन 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 से निर्वाचन करवाते हैं, निर्वाचन के समय में आदर्श आचार संहिता में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है, आम आदमी के क्या कर्तव्य होते हैं, वयस्क मताधिकार क्या है, उपचुनाव क्या है, ये सारी बारीकियों को हम एक तरफ से समझते आ रहे हैं और आगे भी समझने की कोशिश करेंगे। हम एक महत्वपूर्ण कार्य पढ़ रहे थे जो निर्वाचन आयोग करता है, वो है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना किस रूप में मान्यता करता है, मान्यता प्रदान करता है राष्ट्रीय राजनीतिक दल, राज्य स्तरीय राजनीतिक दल और पहले तो क्षेत्रीय दल होते हैं, तो इस रूप में ये मान्यता प्रदान करते हैं। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल, ये अपन ने शर्तें पढ़ी थी, इसकी तीन शर्तें पढ़ी थी, तीन कंडिकाओं में से कोई भी एक प्राप्त कर ले तो फिर उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है। पहला तो था यदि कोई दल लोकसभा अथवा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में चार या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6%, सिर्फ एक राज्य में 100% प्राप्त कर ले तो भी नहीं मिलेगा, चार या उससे अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% प्राप्त करता है और लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता है। 6% वैध मत या 4 सीटें, 4 सीटें काय की, लोकसभा की, विधानसभा की काय की, लोकसभा की। क्लियर हो गया एकदम कि संसद के चुनाव में या राज्य विधानसभाओं के चुनाव में चार या उससे अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% एवं अथवा नहीं आएगा यहाँ एवं और, क्योंकि दोनों एक साथ होना चाहिए, और एक या एक से अधिक राज्यों में लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त की। क्लियर हो गई पहली शर्त। दूसरा बड़ा अच्छा है, यदि कोई दल कम से कम 3 विभिन्न राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें, 2% सीटें कितनी होती है, 11, 2% सीटें या 11। अब इसमें विधानसभा का कोई संबंध ही नहीं कि विधानसभा में आपने जीती या नहीं जीती, बस लेकिन 3 या उससे अधिक राज्यों में लोकसभा की 2% सीटें अर्थात 11 सीटें प्राप्त की। और तीसरी है, ये नहीं है, दोनों प्राप्त नहीं है तो फिर क्षेत्रीय प्रदर्शन करो, अलग अलग राज्यों में या 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल का प्राप्त किया हो। आपने लोकसभा में अपने प्रत्याशी भी खड़े नहीं किए हो, एक भी सीट नहीं जीती हो, कुछ भी नहीं किया हो, लेकिन जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, 4 राज्यों में ही आपने क्या किया है, राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त कर लिया है। तो निर्वाचन आयोग क्या करेगा, आपको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्रदान कर देगा। तीनों शर्तें योगेश बताओ कौन कौन सी, देख देख के बताओ। 4 या अधिक राज्यों में, हाँ, वैध मतों का 6% और चार से अधिक सीट, किसी एक या एक से अधिक राज्यों में लोकसभा में 4 या 4 से अधिक सीट, ये लोकसभा लिखना पड़ेगा, इसलिए तो जोर देके बताया, नहीं तो वहां विधानसभा लिख लेगा कोई तो गड़बड़ हो जाएगा ना फिर। हाँ, दूसरी शर्त आप बताओ अर्जुन। राज्य में लोकसभा या विधानसभा के लिए वे चुनाव में दल के कुल वैध मतों का 8%। तुम तो गलत जगह पढ़ रहे हो यार, देख के भी सही नहीं पढ़ पा रहे। हाँ प्रिया आप बताओ दूसरी शर्त। यदि कोई दल कम से कम 3 राज्यों में 2% या 11 सीटें प्राप्त, 2% अर्थात या नहीं है वहां पे, अर्थात 2% और 11 एक ही है, या नहीं बोल सकते, ऑप्शन नहीं है वहां पे, दोनों एक ही चीज है, इसलिए या शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, अर्थात 11 सीटें प्राप्त कर लेता हूँ, दूसरी शर्त होगी। तीसरी शर्त क्या है,
किसी भी दल ने चार राज्यों या, में हाँ, चार या उससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त कर लिया हो। ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें पूरे पांच में से पांच ही नंबर मिलते हैं। तीन शर्त लिखो और पांच में से पांच नंबर। ज्यादा ज्यादा एग्जाम्पल दे दो। अभी कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? छह। पहले सात थे, अब छह हो गए। तो पहले नंबर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब स्थापना हुई थी इसकी? 1885 दिसंबर 1885 में। किसने की थी? ए ओ ह्यूम, रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी ए ओ ह्यूम। प्रथम अध्यक्ष कौन थे सर? सबको पता होता है वयोवृद्ध नेता थे ब्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, ब्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी इसकी? ये क्वेश्चन पीएससी ने पूछा था एग्जाम में। प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। ऐसे कौन से राष्ट्रीय स्तर के नेता थे जो कांग्रेस से लंबे समय तक जुड़े रहे लेकिन कभी भी उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त नहीं हुआ? महात्मा गांधी तो थे 1924 में, 1924 बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक, बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, जो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। फिर हम बात करते हैं दूसरी पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये जो कल पढ़ा था उसी को आगे बढ़ा रहे हैं हम। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, मार्क्सवादी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, 1964 और एम एस डांगे इनके द्वारा, एम एस डांगे द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। फिर तीसरे नंबर पे लिखेंगे भारतीय जनता पार्टी, जो अभी भारत का सदस्यता के मामले में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी कब हुई इसकी स्थापना? 1980। किसने की थी? एम्बेडकर। आपने नहीं की, मुझे पता है। दीनदयाल उपाध्याय, वो जनता दल वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। फिर है बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी 1984 स्थापना, 1984। कौन थे इसमें? कांशीराव, मान्यवर कांशीराव। फिर है नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी दो हजार तेरह किसने की थी? जो कभी लोकसभा अध्यक्ष रह चुके थे पी ए संगमा। छठवीं पार्टी है आप कौन? आप ये जनता बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आप, आम आदमी पार्टी। समझते नहीं हो यार, आम आदमी पार्टी कब स्थापना हुई? 2012 में।
कौन थे इसके प्रमुख? अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के सीएम है। कुछ ऐसे भी पार्टियां हैं जिनको पहले राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हो चुका था, लेकिन वो वही 4 सीटें नहीं बची या वैध मतों का 6% प्राप्त नहीं किया, तो फिर धीरे धीरे क्या हो गया, इनकी सदस्यता समाप्त कर दी। तो उन पार्टियों के नाम भी नोट करेंगे हम, जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब स्थापना हुई थी इसकी? 1925। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। हाँ युवराज जी, जो फर्स्ट वाला था ये वाला, वो अलग अलग है जी। वो तो वामपंथी लिखा है, मार्क्सवादी पहले है? मार्क्सवादी लिखा है कि नहीं? पहले पहले जो लिखवाया था उसमें क्या लिखा था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, और ये क्या है? सीधा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसकी स्थापना हुई थी 1923 में, सॉरी 1925। एम एन राय जो चुनाव चिन्ह होता है इसका, हसिया और बाली, ये कॉलम में ये भी लिखना, प्रिया बड़ी अच्छी लिख रही है, उसमें चुनाव चिन्ह ये वो सब कुछ लिखना, हसिया और बाली इसका चुनाव चिन्ह था। 1950 में इसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा मिल गया था, मतलब पहले से बड़ी पार्टी रही है, लेकिन 1923 में इससे ये दर्जा छीन लिया गया। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है एकदम। कौन सी पार्टी पढ़ी अपन ने? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। फिर है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी जिसे कहते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। में बनी थी, कौन थे? शरद पवार जी, शरद पवार। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? घड़ी, घड़ी। 2004 में इन्हें दर्जा मिला था और 2023 में खत्म। 2004 में इन्हें दर्जा मिला था। इसके बाद है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 1998 में स्थापना हुई थी। कौन थे इसके प्रमुख? है अभी जी? हाँ विजय बताएगी। 3 घंटे पढ़ते हैं यहाँ, 24 घंटे में से 2 घंटे यहाँ बिता देते हैं, तो 3, 2, 5 बचे कितने आपके पास में? 19 घंटे। कम से कम 10 घंटे तो टीवी देखते होंगे आप, नहीं देखते? कितने घंटे देखते? थोड़ा फोन चला लेते हैं। गुड, बहुत तालियां तालियां तालियां। तो फोन में क्या देखते हैं? शेयर चैट, व्हाट्सएप। सर कोई पर्टिकुलर रोज रोज देखी जो कभी कभी मतलब? अच्छा नहीं, मैं ये देखना चाह रहा था कि इंटरेस्ट क्या है, मतलब किस चीज़ पे ज़्यादा। जैसे कुछ लोग टीवी देखते हैं ना, तो कुछ लोग स्पोर्ट देखते रहते हैं उसमें, है ना, कुछ लोग समाचार ही समाचार देखते रहते हैं, कुछ लोग तो समाचार और स्पोर्ट से तो उनको परहेज है, जैसे डायबिटीज़ हो उनको, वो सिर्फ धारावाहिक देखते रहते हैं, है ना, स्टार प्लस और ये चैनल उनके पसंदीदा रहते हैं। आप क्या देखते हैं? मतलब फिल्मों के जो टुकड़े टुकड़े वो वगैरह देखते हैं। ये क्या होता है? ये हकीकत है,
जो मैं भी बीमार हूँ, इस बीमारी से मैं भी पीड़ित हूँ कुल मिला के। जब हम ऐसे कोई सोशल मीडिया को ओपन करते हैं ना, व्हाट्सएप को छोड़कर है ना, बाकी दूसरे सोशल मीडिया पे जब हम जाते हैं, तो जिस तरीके का हमने एक बार वीडियो देखा, ओपन किया, देख लिया, तो वो रिकॉर्ड हो जाता है, हमारी जो प्रोसेस है वो रिकॉर्ड हो जाती है उनके पास में, और वो फिर उसी इंटरेस्ट के, उसी फ्लेवर के जो टॉपिक है वो हमें बार बार भेजते जाता है, हम देखते चल जाते हैं। कहाँ जाना था, देहरादून, रंगून पहुंच जाते, कहाँ कहाँ से घूम के आ जाते, हमें पता ही नहीं चलता। और घड़ी तो उस समय बहुत ही तेज चलती है, एक एक दो दो घंटे कब निकल जाते हैं। मैं भीमपुर से बैठता हूँ, बैतूल में आ जाता हूँ, बस खड़ी हो जाती है, तब पता चलता है कि नहीं यार, मैं मोबाइल में नहीं, अब बाहर आ जाता हूँ, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए ये सब बेकार चीज़ है सोशल मीडिया, और इस पर तो ज़्यादा हमें नहीं जाना चाहिए, इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। यदि आपको ऐसा ही कुछ पढ़ने का शौक है तो बुक्स वगैरह पढ़ो, बढ़िया अच्छी वाली, रिच डैड पुअर डैड, या फिर स्त्री, ऐसे जिस फ्लेवर की किताबें चाहिए उस फ्लेवर की किताबें मिलती हैं, उसको पढ़ो, किताबें पढ़ने से ही ज्ञान मिलता है, बाकी इन सब चीज़ों से ज्ञान नहीं मिलता है। तो कौन सा, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, कौन है उनकी प्रमुख, ममता बनर्जी, 1998 में इसकी स्थापना हुई थी, 2016 में इसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया था, 2023 तक इसे समाप्त भी कर दिया गया। क्लियर हो गए हैं एकदम ये क्वेश्चन हमारा। अब हम देखेंगे राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता की शर्तें, कल हमने पढ़ भी लिया था, फिर भी हम देखेंगे इसे एक बार। राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या है, जहां पहले इसमें चार दिया था, इसमें कितना है, तीन। दल ने राज्य की विधानसभा के लिए हुए चुनाव में कुल सीटों का 3% या 3 सीटें, जो भी अधिक हो, प्राप्त किया, 3% वोट। अब इसमें अन्य राज्यों की बात कर रहे हैं क्या, नहीं, सिर्फ एक ही राज्य में 3% सीटें या 3% वोट, वैध मतों का 3%, सॉरी कुल सीटों का 3% या 3 सीटें, जो भी अधिक हो वो प्राप्त किया हो, राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। और वैध मतों का कितना, 8%। सबसे आखिरी में देखो, राज्य में लोकसभा या विधानसभा के लिए हुए चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त किया हो, सीटों के आधार पर कितना, 3% सीटें या 3, जो भी अधिक हो, और वैध मतों के आधार पर देखे तो 8% या उससे अधिक वैध मत प्राप्त किए हैं, तो राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है। और एक शर्त दी है, लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में दल ने राज्य के लिए निर्धारित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में एक पर दर्ज जीत दर्ज की हो, प्रत्येक, जैसे 50 सीटें हैं लोकसभा की तो 2 सीटें है, 24 है तो एक, 24 है तो 1 सीट प्राप्त कर लो, राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा, प्रत्येक 25 पर 1 सीट प्राप्त की हो। तीनों शर्तें बताओ, कुल राज्य विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उनमें 3% सीटें या 3 सीटें, जो भी अधिक हो, या कुल राज्य विधानसभा के लिए जो चुनाव हुए थे उसमें कुल वैध मतों का 8% या उससे अधिक प्राप्त किया हो, या लोकसभा के हुए चुनाव में उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सीटों में से 1 सीट उसने प्राप्त की हो। एक और कंडीशन दी हुई है, राज्य में लोकसभा के चुनाव में दल ने कुल वैध मतों के 6% प्राप्त की हो तथा इसके अतिरिक्त उसने एक लोकसभा की या 2 विधानसभा की सीट जीती, लोकसभा की 1 और विधानसभा की 2, दोनों में से कोई भी, ऐसा नहीं कि लोकसभा की 1 चाहिए और विधानसभा की 2, या लोकसभा की 1 या विधानसभा की 2 सीटें उसने जीती हो, तो राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है। अब हम देखेंगे आम चुनाव क्या है।
आम चुनाव। आम चुनाव। हमारे दिन पिता प्रत्येक पांच वर्ष सीधी सीधे प्रत्येक पांच वर्ष के बाद में जो पूरे देश के लिए जो चुनाव होता है उसे क्या कहते हैं? आम चुनाव। चाहे राज्य विधानसभा के लिए वो या संसद के चुनाव लोकसभा के चुनाव होते हैं पूरे देश के लिए, तो वो क्या कहलाते हैं? आम चुनाव। क्लियर है? पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1952। प्रथम मध्यावधि चुनाव, बड़ा अजीब प्रश्न, मध्यावधि चुनाव देखना जरूर, मध्यावधि चुनाव। दूसरा टॉपिक है अपना मध्यावधि चुनाव, ये हमें पता होना चाहिए मध्यावधि चुनाव। ये होता है उपचुनाव, उपचुनाव इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव। अब देखो उपचुनाव किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए जो लोकसभा के लिए राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित हुआ है, उसकी मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे या अन्य कोई लाभ का पद या भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए। इस कारण जब उसका उसकी उसका पद या उसकी सीट रिक्त हो जाती है तो उसके लिए जो चुनाव कराए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उपचुनाव। उसे क्या कहेंगे? उपचुनाव, उपचुनाव। अब मध्यावधि चुनाव क्या है? मध्यावधि चुनाव यदि किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न हो, सरकार बनाने की स्थिति में न हो, और फिर कौन सी सरकार बनेगी? काम चलाओ सरकार, 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होता है, तो उसे क्या कहते हैं? मध्यावधि चुनाव। जो निर्धारित कार्यकाल पूरा करने से पहले ही सरकार गिर जाती है और फिर से चुनाव कराए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मध्यावधि चुनाव। 1971 पहली बार लोकसभा भंग हुई थी उसके बाद। हाँ, और पहले मध्यावधि चुनाव कब हुए? 1971 1971 में पहले मध्यावधि चुनाव हुए। मध्यावधि चुनाव जो होते हैं वो शेष कार्यकाल के लिए होते हैं, 5 साल के लिए, कार्य के लिए शेष कार्यकाल के लिए होते हैं। नहीं, मध्यावधि चुनाव नहीं, जो उपचुनाव होते हैं वो शेष कार्यकाल के लिए होते हैं, मध्यावधि चुनाव पूरे 5 वर्ष के लिए होते हैं, क्योंकि पूरे विधान पूरे लोकसभा सदस्यों के लिए होते हैं, एक साथ में होते हैं, तो इसलिए वो पूरे 5 वर्ष के लिए होंगे। और जो उपचुनाव होते हैं वो कुछ सदस्यों के लिए होते हैं, तो फिर वो कितने के लिए होंगे? शेष कार्यकाल के लिए होंगे। याद रखना बराबर, ऐसे सरल सरल क्वेश्चन में उलझाने की कोशिश करते हैं। तीनों चुनाव समझ में आ गया? पहला कौन सा? आम चुनाव जो पूरे 5 वर्ष के लिए, ठीक है। फिर है मध्यावधि चुनाव यदि सरकार भंग हो जाए तो फिर, और उपचुनाव किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाए तो शेष कार्यकाल के लिए होते हैं। ऐसा कोई मुख्य चुनाव आयुक्त तो जिन्होंने चुनाव लड़ा, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, ऐसा कोई चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा हो? टीएन शेषन। किसने लड़ा था? टीएन शेषन में 1997 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था और के आर नारायणन से ने पराजय का सामना करना पड़ा। ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किससे आ रहे थे ये? के आर नारायणन से। और इन्होंने एक बुक लिखी है डी जेनरेशन ऑफ इंडिया, डी जेनरेशन ऑफ
इंडिया, डी जेनरेशन ऑफ इंडिया। ये चुनावी बॉन्ड क्या होता है? चुनावी बॉन्ड, ये क्वेश्चन अभी दो चार दिन में बहुत हाईलाइट हुआ था, अब और होगा। चुनावी बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड, कैसा? आप तो जाते हो यार, तो आपको पता होना चाहिए ये सब चीजें, ये होना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया से इनको बता दो, कल पूछ रहे थे वो कि सर क्या बोल रहे थे। तो आज जाते समय नहीं पूछते ना, वो जाते समय पूछेंगे तो हम बताएंगे आपको। अर्जुन जी, चुनावी बॉन्ड क्या है? चुनावी बॉन्ड चुनाव खर्चा नहीं, आपने बता दिया ना पीछे वाले से पूछा। इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि आप बोलो और मैं समझ ना पाऊँ। हाँ हेमलता, नहीं दिनेश कुमार, आज आपकी मीठी आवाज नहीं सुनी हमने, कुछ बोले नहीं आप, बोल नहीं पता। देखो राजनीतिक पार्टियां जो होती है, अब देखो इनके जो अभी दौरे होते रहेंगे, ये कितना सारा पैसा, कई प्रत्याशी ऐसे होते हैं जिनके पास में पैसा नहीं होता, विशेष रूप से जो आरक्षित सीटों पर से कि चुनाव लड़ते हैं, वो जो कैंडिडेट होते हैं उनके पास में पैसा तो होता नहीं है, तो पार्टी उनके लिए पैसा खर्च करती है, इतना चुनाव प्रचार है। आप बता सकते हैं कि ये पैसा आता कहाँ से? पार्टी फंड जिसे कहते हैं, पैसा आता कहाँ से? तो आता है चंदे से। कैसे आता है? चंदे से, दान देने से, दान मिलता है उनको। तो इसीलिए एक बॉन्ड शुरू किया गया कि कोई भी पार्टी फंड में पैसा देना चाहता है तो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से वो दे सकता है। और 2017-18 में शुरुआत हुई, 2017-18 में शुरुआत हुई है। न्यूनतम जो बॉन्ड वो 1,000 से लेकर अधिकतम जो है 1 करोड़ की कीमत तक, मैं लिखवा रहा हूँ पूरा, अभी आधा अधूरा मत पहले समझ लो। मतलब चुनाव में दान देने के लिए जारी किया गया, कब जारी किया गया? 2017-18 में। न्यूनतम 1,000 का हो सकता है और अधिकतम 1 करोड़ तक हो सकता है। और जो भी दान देगा उसका नाम पता गोपनीय रखा जाएगा, पार्टी की बल्ले बल्ले अरबों रुपए प्राप्त हो जाते हैं और पता भी किसने दिया, किसने दिया, मतलब गुप्त दान जैसी बात हो, बात की होगी कल में लिखेंगे। सरकार ने पॉलिटिकल पार्टियों को मिलने वाले चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए चुनावी बॉन्ड की शुरुआत की। शुरुआत 2017-18 शुरुआत 2017-18 बॉन्ड की न्यूनतम कीमत 1,000 रुपए, बॉन्ड की न्यूनतम कीमत 1,000 और अधिकतम 1 करोड़, अधिकतम 1 करोड़। लास्ट पॉइंट लिखेंगे, इस बॉन्ड का प्रयोग
इस बॉन्ड का प्रयोग किसी भी राजनीतिक पार्टी संस्था या किसी व्यक्ति को पैसा दान करने के लिए किया जाता है अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग या उससे संबंधित प्रावधान, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे भी हमने पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, युवने जी बताओ मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? क्या थी? हाँ आप बताएं दिनेश कुमार। 1 नवंबर 1956। बहुत बढ़िया, तालियां तो आपके लिए भी बनती है, एक नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। चुनाव भी शुरू हुए होंगे। तो विजया जी आप बताएं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ होगा? ये परीक्षा की घड़ी है, आपने इतने दिन में जो निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा उसमें उत्तर छुपा है। 1956 में ही हुआ होगा। एक बात बताऊं, जंगल का राजा कौन होता है? बता दो, जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। जोर से बोला करो क्योंकि दोनों की आवाज रिकॉर्ड होना चाहिए। जंगल का राजा कौन है? शेर है। जंगल का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? हाथी। जंगल का सबसे फुर्तीला जानवर कौन सा है? चीता। गुड। जंगल का सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? ये प्रिया जिराफ है। जंगल का सबसे जहरीला जानवर कौन सा है? सांप नहीं, किंग कोबरा। किंग कोबरा करेक्ट, ये बोल सकते हैं। शेर में ऐसा क्या है जो राजा है? न वो सबसे तेज दौड़ सकता है, फुर्तीला है, न सबसे बड़ा है, न सबसे ऊंचा है, न सबसे जहरीला है। ऐसा क्या है जो जंगल का राजा है? योगेश चलो एक और बता रहा हूं। हिरन, हिरन जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। और जो शेर है, चीता है, ये सब 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे, अधिकतम 70-80 से शुरुआत होती है, 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से दौड़ सकते हैं। फिर भी ये जानवर हिरन का शिकार करते हैं, क्यों? भूखे तो भूखे मर जाएंगे ना योगेश। डर, हिरण के मन में क्या होता है? डर होता है।
और डर होने के कारण वो बार बार पीछे पलट के देखता है, बार बार पीछे पलट के देखता है और एक चक्कर में वो शिकार हो जाता है। और शेर जो जंगल का राजा है, क्योंकि वो अपने आप को समझता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस क्या है, कॉन्फिडेंस उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं राजा हूं इसलिए राजा है। और जो हिरन है उसके अंदर क्या है, लो कॉन्फिडेंस, उसके अंदर क्या है, डर। तो बार बार पीछे पलट के देख रहा है और अपनी शक्तियों को वो नष्ट कर रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आपने जो गलत जवाब दिया है ना, आपने सोच समझ के नहीं दिया, डर के घबराहट बिना किसी सोचे समझे दे दिया, जबकि मैंने शुरुआत में यही तो एक प्रश्न को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग अलग है, राज्य निर्वाचन आयोग अलग है। राज्य निर्वाचन आयोग का काम क्या है, स्थानीय निकायों के चुनाव करवाना। और स्थानीय निकाय कब बने हैं, 1994 से फिर इसका गठन कब हुआ होगा, 1993-94 में होगा ना, 73वां-74वां संविधान संशोधन बिल पारित होगा, उसके बाद में राज्य निर्वाचन आयोग गठित होगा किसी भी राज्य में, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, कहीं पर भी, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन, 72वें संविधान संशोधन, सॉरी 73वां संविधान संशोधन 1992, इसके तहत पंचायती राज का गठन किया गया और 343 के में बोला गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग बनेगा। फिर मध्य प्रदेश ने अधिनियम पारित किया और फिर राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया। बात क्लियर, क्या हम इतने जल्दी जवाब न दे, पीछे पलट के न देखे हिरन जैसे, हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल के तहत, 1 फरवरी 1994 स्थापना 1 फरवरी 1994 और अनुच्छेद क्या बताया था, 243 के तहत, अनुच्छेद 243 के तहत कौन करता है नियुक्ति, इसकी कौन करेगा, राज्य कौन करता है नियुक्ति, राज्यपाल। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष क्या है, जो भी पहले हो, कार्य क्या है इनके, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इसे, क्योंकि हम पूरा समझ चुके हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। कार्य क्या है इसमें, वह जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के लोकसभा चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए होता है, इनका कार्यकाल संबंधित होगा पंचायती चुनाव, तो उसके लिए दोनों का मॉड्यूल एकदम अलग अलग है, चुनाव करवाने का समय, पंचायतों की काउंटिंग सब अलग अलग है, वह मशीन से होता है, ये बैलेट पेपर से होता है, तो बैलेट पेपर ये व्यवस्था करना, उस जो मशीन से जो चुनाव होता है वो 8 बजे से, सॉरी जो बैलेट पेपर से होता है वो सुबह 7 बजे से शाम के 3 बजे तक ही होता है, क्योंकि उसके बाद काउंटिंग करना होता है, और मशीन का सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक होता है, क्योंकि उसकी काउंटिंग वहाँ पर नहीं होती, तो ये सब अलग अलग है उसके। तो लिखेंगे पंचायत एवं नगरीय निकाय के चुनाव करवाना, कार्य पढ़ रहे अपन, कार्य कार्य पंचायत एवं नगरीय निकायों के चुनाव करवाना, नगरीय निकायों के चुनाव करवाना, ये पहला कार्य, ठीक। अब यदि निर्वाचन आयोग का प्रावधान कायम दिया है तो 324
एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग कायम दिया है 324 में, ठीक, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग का तो 243 की, याद रखना बराबर 243 के। स्थानीय चुनाव के, स्थानीय चुनाव को, स्थानीय चुनाव को संपन्न करने के लिए या कराने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करना, नोडल अधिकारी नियुक्त करना, नोडल अधिकारी नियुक्त करना, जैसे आरओ वगैरह है ना, आरओ रिटर्निंग ऑफिसर बताया था मैंने, एआरओ असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, ये इनकी नियुक्ति करना। चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, जो निर्दलीय उम्मीदवार वगैरह होते हैं ना जो चुनाव लड़ते हैं उनको चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, जो सरपंच उप सरपंच पार्षद जिला पंचायत सदस्य जनपद पंचायत सदस्य नगर निगम नगर पालिका अध्यक्ष, ये इनके लिए जो चुनाव लड़ते हैं पहले फॉर्म भरना पड़ता है, तो फॉर्म में जो जानकारी दी है वो सही है या गलत है उसका परीक्षण करना, वो स्वयं तो ये एक निर्वाचन आयुक्त तो होता है वो तो नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने जो ये नोडल अधिकारी नियुक्त किए वो सब ये काम उनके मार्गदर्शन में देखते रहेंगे, ठीक। मतदाता जागरूकता संबंधी अभियान या विज्ञापन करना, मतदाता जागरूकता संबंधी अभियान या विज्ञापन करना, और छोटी छोटी बातें देखेंगे हम इसमें। निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है, संवैधानिक, संवैधानिक है। क्या है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की टैगलाइन, 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 मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की टैगलाइन, ये बहुत बार टेस्ट में पूछा गया है क्वेश्चन, हर वोट कीमती वाला लिखेंगे, हर वोट कीमती हर निकाय महत्वपूर्ण, हर वोट कीमती हर निकाय महत्वपूर्ण, हर वोट कीमती हर निकाय महत्वपूर्ण, कौन करता है नियुक्ति बता दिया हमने, कौन करते हैं राज्यपाल करते हैं, कार्यकाल कितना होता है निर्वाचन आयोग के साथ 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। त्याग पत्र भी दे सकते हैं, त्याग पत्र किसको देंगे, राज्यपाल को ही त्याग पत्र ये दे सकते हैं, या हटाया भी जा सकता है, हटाने का प्रावधान वही है साबित कदाचार या ये इस तरीके से कोई हो तो। कितनी बार विधानसभा चुनाव करवाए इस मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने, हेमलता बताएगी, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी तक कितनी बार विधानसभा चुनाव करवाए, वो तो काउंटिंग कर रहे हैं ना 6 बार उसमें तो काउंटिंग कर ली 6 बार, तो ये मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग इसका काम क्या है, स्थानीय निकाय के चुनाव कराना, विधानसभा के क्यों करवाएगा,
विधानसभा के चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं। अभी तक समझ में नहीं आया, देखिए कोई भी जरा सा बाउंसर डालो तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी जो चुनाव उसमें जरा भी काम नहीं करते ये। बिल्कुल। ये और केंद्रीय वाले जो आते तो इन्हीं के ऑफिस में आते होंगे क्या, कई और ही आते, मतलब सबकी उधर की होगी पर इनका काम यूज तो करते होंगे। नहीं, अधिकारी अलग अलग नियुक्त कर देते हैं ना इसके लिए, जैसे मतदाता सूची तक अलग अलग होती है, मतदाता सूची भी अलग होती है, ये इसकी अलग, ये इसकी अलग, चुनाव कराने वाले बिल्डिंग भी अलग हो जाती है। मतलब वो कार्यालय का भी यूज नहीं करते, जैसे अभी वो दिल्ली से आएंगे वो लोग, हाँ, तो ये अभी जो अपना ये राज्य निर्वाचन भवन है, हाँ, वहाँ जाके मीटिंग नहीं, वो तो भाई संसाधन यूज कर, संसाधन का इस्तेमाल करेंगे और पूरी शक्ति उनके पास, हाँ, पर कुल मिला के व्यक्ति से मतलब नहीं है, वो नियम नियमावली से है ना। राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली अलग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली अलग है, ठीक है, उनको अलग शक्ति है, अलग कपड़े धारण करेंगे तब जाके वो चुनाव, मतलब भारत निर्वाचन आयोग लिखा है, हाँ, भारत निर्वाचन आयोग लिखा हुआ आएगा। जैसे BLO होते हैं तो BLO अपना वो पुराना रजिस्टर मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग वाला अलग रख देंगे और उस दिन भारत निर्वाचन आयोग का रजिस्टर रख देंगे। अब प्रथम निर्वाचन आयुक्त तो कौन थे मध्य प्रदेश में, NB Lohan, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, NB Lohan प्रथम निर्वाचन आयुक्त तो कौन, प्रथम निर्वाचन आयुक्त, प्रथम निर्वाचन आयुक्त NB Lohani 1994 से 2000 तक, 2001 तक क्यों नहीं रखा इनको प्रिया? 6 वर्ष तक ही होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया, 65 वर्ष के नहीं हुए होंगे, है ना, ठीक है, आगे लिखेंगे। दूसरे थे गोपाल शरण शुक्ल, 2000 से 2006 तक गोपाल शरण शुक्ल, 2000 से 2006 तक। फिर है श्री आदित्य विजय सिंह, तीसरे नंबर पे आदित्य विजय सिंह, आदित्य विजय सिंह 2006 से 2010। फिर है अजीत रायजादा, अजीत रायजादा 2010 से 2013 तक। श्री आर परशुराम, आर परशुराम 2013 से 2018 तक, 2013 से 2018 तक। श्री बसंत प्रताप सिंह 2019 से अब तक, अभी भी है, याद रखना। एक होता है निर्वाचन आयुक्त और दूसरे होते हैं सचिव, इनके बारे में भी लिखेंगे हम, इतनी बड़ी सूची नहीं बनाएंगे, निर्वाचन आयोग के सचिव भी लिखेंगे, सचिव में लिखेंगे। जो सबसे पहले थे श्री प्रकाश चंद, 1994 से 1995 तक, प्रथम महिला सचिव श्रीमती विजया श्रीवास्तव, देखो विजया कितने खुश हो गए मेरा नाम भी किताब में आ गया, श्रीमती विजया श्रीवास्तव 1998 से 2000 तक, 1998 से 2000 तक। और वर्तमान में कौन है अमरदीप,
बी एस जामोट। बैतूल से बड़ा गहरा संबंध है इनका। जिला पंचायत सी होते जामोट सर। हमारी जब नियुक्ति हुई थी 2009 में तब इन्होंने ही नियुक्ति पत्र दिया था। बी एस जामोद सितंबर 2021 से अब तक, सितंबर 2021 से अब तक। हाँ नमस्कार। हाँ ये जो है ये राज्य सेवा के अधिकारी होते हैं, राज्य सेवा के अधिकारी होते हैं तो ये पद ये चलते रहते हैं, इनकी अलग से कोई नियुक्ति नहीं की जाती उसके लिए, है ना। जो आईएएस होते हैं ये होते हैं इसमें। फिर से बोलो जरा, और क्वेश्चन आपका समझ लू मैं। हाँ ये राष्ट्रपति का संबंध है ही नहीं इसमें, है ना। राष्ट्रपति का संबंध नहीं है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग से संबंधित चाहे आयुक्त तो हो या सचिव हो, आयुक्त तो मुख्य पद है, सचिव उनके बाद में है, तो ये सबकी नियुक्ति मध्य प्रदेश स्तर पर ही होगी, राज्यपाल द्वारा ही की जाएगी। क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा के होते हैं ये लोग, तो उनका वो अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में नियुक्ति अलग हुई है इनकी पहले जब उन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन इस पद पर नियुक्ति जो है वो मध्य प्रदेश राज्यपाल की जाएगी, ये बोल रहे थे। ठीक है, निर्वाचन भवन कहां पे है इसका? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन भवन शिलान्यास शंकर दयाल शर्मा जी द्वारा 1995 में शिलान्यास और उद्घाटन में क्या अंतर है सरिता? योगेश जी शिलान्यास जब भूमि पूजन करते हैं, भूमि पूजन करते हैं, और उद्घाटन लोकार्पण है ना, बनने के बाद में उसका लोकार्पण शुरुआत करना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो निर्वाचन भवन का शिलान्यास श्री शंकर दयाल शर्मा जी ने 1995 जो राष्ट्रपति थे हमारे, और इसका उद्घाटन 1997 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी, मोहम्मद शफी कुरैशी। अब 243 के तो पढ़ लिया अपन ने, राज्य निर्वाचन आयोग और उसके कार्य दिए हुए हैं, कार्यकाल संबंधित दिए हुए हैं, पंचायतों से संबंधित दिए हैं, लेकिन ये और एक चुनाव करवाता है, कौन सा? नगर पालिकाओं के। तो नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित प्रावधान काय में दिया है? 243 ZA में। नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित प्रावधान 243 ZA, नहीं तो वहां कंफ्यूज रहोगे, 243 K ही कर दोगे, 243 ZA, 243 ZA। अब एक बार हम फिर तुलना करते हैं, एक और डेटा लिख देते हैं। जो स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, और ऐसा आरक्षण देने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है, और उसके बाद में बिहार दूसरा राज्य, पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे बिहार। अब हम एक तुलना करते हैं भारत निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग। ये लिखना नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही समझते चलना है, बोलते चलना है, जवाब देना है, क्वेश्चन पूछ रहा हूं कुल मिला के। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की स्थापना अर्जुन
1994 लिखा है, 1 फरवरी 1994। ये क्वेश्चन पीएससी ने पूछा था 20 में, इस बार पूछा था। डिलीट हुआ है क्या था इसका उत्तर? नहीं, उन्होंने डिलीट कर दिया, उन्होंने मतलब कि अस्तित्व पूछ लिया। अच्छा, अस्तित्व कब आया? हाँ, ऐसा तो हाँ। क्वेश्चन डिलीट कर दिया उन्होंने। अच्छा ठीक, जबकि ऑप्शन यही था। वो गलत कर दिया ना उन्होंने, क्वेश्चन गलत कर लिया, आंसर तो ठीक है। तो 1 फरवरी 1994 पिछले साल सही दिया था शायद, इससे पहले। हाँ, इससे पहले सही दिया था ये। तो 1 फरवरी 1994 मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994। भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950। संवैधानिक प्रावधान मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का 243 के या राज्य निर्वाचन आयोग का 243 के, और भारत निर्वाचन आयोग का 324। मुख्यालय बताओ भारत निर्वाचन आयोग का कहां पर? दिल्ली में। भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यालय दिल्ली में, और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का मुख्यालय भोपाल। संरचना यदि देखिए तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो सहायक आयुक्त होते हैं, दो आयुक्त होते हैं, और इधर क्या है, केवल एक मुख्य आयुक्त होता है, एक आयुक्त पर होता है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग बहुसदस्य नहीं है, एक सदस्यीय है। कार्यकाल तो दोनों का एक ही, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। कार्य क्या है? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव करवाना। और इनके कार्य क्या है? पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायतों के और स्थानीय निकायों के चुनाव करवाना, नगरीय निकायों के चुनाव करवाना। त्याग पत्र किसको देंगे? केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त या आयुक्त राष्ट्रपति को, और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल को। प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे केंद्रीय स्तर पर? सुकुमार सिंह। और मध्य प्रदेश में कौन? NB लोहन। वर्तमान में मुख्य आयुक्त कौन है केंद्र में? राजीव कुमार। और मध्य प्रदेश में कौन है? बसंत प्रताप सिंह। क्वेश्चन सर्च करोगे कार्यकाल मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, ठीक, उसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन थी? फटाफट जवाब देना। बी एस रमादेवी। भारत का प्रथम एंग्लो इंडियन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन है? भारत का प्रथम एंग्लो इंडियन मुख्य निर्वाचन आयुक्त लिंगदो तो नहीं है यार, फ्रैंक एंथोनी, डेरेक ब्रिन, जेम्स माइकल लिंगदो। ठीक है, जेम्स माइकल लिंगदो। देखो लिंगदो उसको ऐसा लिखते हैं, लिंगदो, ठीक है, देखिए ये देख के बोलो कि हमने तो लिंग दो पढ़ा है तो गलत हो जाएगा ना, लिंगदो। भारत का प्रथम एंग्लो इंडियन मुख्य निर्वाचन आयुक्त जेम्स माइकल लिंगदो। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को होता है, सबको पता है, मुझे भी पता है ये तो। अब हेमलता बताएगी पहली बार कब मनाया गया, कब से मना रहे हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस, पहली बार कब मनाया गया था? 2010, 2012, 2011, 2013। निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाने या कम करने की शक्ति किसमें नहीं है? निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या घटाने या बढ़ाने या कम करने की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, ठीक है।
राष्ट्रपति छह वर्ष या पैंसठ वर्ष ठीक है। क्योंकि एक संशोधन हुआ है, शायद कल इस क्वेश्चन का जवाब तो मैं दूंगा और अच्छे से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ कितने और आयुक्त होते हैं? दो। तीन मत कर देना, बहुसदस्य तीन सदस्य है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ दो और सदस्य होते हैं, दो और सदस्य होते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? हाँ जी, वर्तमान छह है ना, अभी तो पढ़ा है, छह का नाम भी लिखवाया नहीं, छह की सूची भी बनवाई ना, ऐसा मत किया करो। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करता है? 243 ZA। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त एन बी लोहानी, आर परशुराम, बसंत प्रताप सिंह, गोपाल शरण शुक्ल, कौन थे? एन बी लोहानी। लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा मैं आज के लिए। द डी जनरेशन ऑफ इंडिया, टीएन सेशन, द डी जनरेशन ऑफ इंडिया किस मुख्य चुनाव आयुक्त की पुस्तक है? टीएन सेशन। नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन का जनक, नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन का जनक बी एम तारकुंडे। लास्ट क्वेश्चन, फिर से लास्ट हो गया हमारा। एवरी वोट काउंट्स, एवरी लिखना है, एवरी वोट काउंट्स, एवरी वोट काउंट्स, द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन, द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन के लेखक कौन है, किसने लिखी है बुक? क्या द एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन के लेखक कौन है? वह नवीन चावला, नवीन चावला, नवीन चावला। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल जो है हम आयोग पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और केंद्रीय लोक सेवा आयोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद सार्थक पहल के साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे और निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।